सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही है कि एजाज खान ने एलवी शादव और लव कटारा समेत सभी यूट्यूबर्स को ये वार्निंग दी थी कि वो उन्हें दिल्ली से मुंबई लेकर आएगा और सॉरी बुलवाएगा। और ये जो कटारिया और एलवी के जो फॉलोवर्स हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं मेरे को, तुम्हारा कटारिया और एलवी भी मेरे को मुंबई में मिला या दिल्ली में मिला तो तुमको दिखाऊंगा मैं। हम लोग ओजी लोग हैं, ओजी समझे कि नहीं? जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है, समझे ना? तो छोड़ो बचकाने लोग, इन लोग कहीं नहीं लग रहे मेरे को। इस चीज पर उसे नितिन चंदीला, राजवीर सिसोदिया और दलाल ने भी रिप्लाई किया था। पवन जी, क्या हाल चाल? तो जैसा कि आप सभी को बताया, पिछले कुछ दिनों में बाहर था और सोशल मीडिया पे तो हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट इस बार एक चीज थोड़ी ज्यादा बुरी सी लगी, वो थी कैरी मिनाटी की सॉरी वाली वीडियो जो कि रिकॉर्ड करी थी एजाज खान ने। तो उसको एक प्यारा सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि भाई, हमारे दिल्ली एनसीआर में हरियाणा में कोई भी बाहर से गेस्ट आता, चाहे उसने कितना ही उल्टा सीधा बोला हो, उसका रिकॉर्ड करते हैं, सम्मान करते हैं। तो मैं कैरी मिनाटी को बोलना चाहूंगा कि भाई, आप वीडियो बनाओ, हमारा सपोर्ट, मेरा सपोर्ट पूरा आपके साथ है। और जो ये एजाज खान बोल रहा था ना कि हर बिल में चूहा नहीं होता, किसी में सांप भी होता है, तो उसे मैं बहुत प्यार से बताना चाहूंगा कि भाई, हमारा काम ही है ये कि सांप को बाहर निकाल के उससे बात करना। तो कभी दिल्ली एनसीआर साइड आओ तो स्टोरी मत डालना, वरना सॉरी कैसे बोलते हैं और कैसे बुलवाते हैं वो आपको हर तरीके से समझाएंगे। और जो आपका एक डायलॉग आप मार रहे थे ना कि करियर बनाना है तो मुंबई आना पड़ेगा, तो भाई सेल्फ मेड है, मुझे मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ दिल्ली में आपके बहुत काम अटकेंगे, तो थोड़ा प्यार। और अपन जंगल के शेर है। हाँ भाई, जंगल के शेर कहाँ तक घूम रहा जंगल में, तेरे दो दो अब्बू पहुंच चुके हैं मुंबई, उनसे मंगवा आप सॉरी। और भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जानवर कौन सा, कभी तो ये कहने लगे मैं सांप हूँ, कभी ये कहने लगे मैं जंगल का शेर हूँ। बम्बई में जंगल कहाँ है, कौन से जंगलों में रह रहा तू भाई? जंगल वंगल में कहीं ना रह रहा तू, पता घूम रहा तू, कोई जानवर नहीं है। तो भाई कैसे है सब, सबको राम राम। आजकल एक टॉपिक थोड़ा उठा हुआ है, सीधे बोल के नाम लेके बात करूंगा, घुमाने फिराने की मेरी शुरू से आदत है नहीं। एजाज भाई साहब ने कैरी मिनाटी से सॉरी बुलवाई है आमने सामने। मेरे साथ भी एक सीन हुआ था, पिछले 10 साल से किसी की हिम्मत नहीं हुई है कैरी को कुछ उल्टा बोलने की या ये जो चीज़ें हुई हैं वो करवाने की। रिसेंटली उसने मेरे ऊपर एक रोस्ट बनाया बिना मेरी परमिशन के, जो मेरे को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पे उसने वीडियो डाली थी जिसका रिप्लाई मैंने सोशल मीडिया पे ही दिया और रिक्वेस्ट ही करी कि भाई इसको हटा दो, जिस बात का कैरी ने मान रखा, सम्मान रखा और वीडियो हटा दी। कैरी मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरे घर से 10 मिनट दूर रहता है। अगर आमने सामने चीज़ें करनी होती तो मैं भी कर सकता था, पर ये चीज़ें शोभा नहीं देती। जहाँ पे चीज़ शुरू हुई है वहीं पे ख़त्म होनी चाहिए, तो वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। आपने कैरी के बारे में, अब देखो पास्ट में जो चीज़ डाल दी वो तो ना आप बदल सकते ना हम बदल सकते। आज के बाद कभी उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा उम्मीद करूँगा आप ना ही बोलो। और दूसरी चीज़ जो आप ये चीज़ कर रहे हो कि मुंबई आना पड़ेगा करियर के लिए, तो भाई देखो 4 बार आए या हम 40 बार आए, आप हो या कोई हो हमारा एक बाल नहीं उखाड़ सकता। आप और मैं या कोई भी इस देश के कानून से ऊपर नहीं है, सबके अपने अपने राइट हैं, जिसको ना तो आप वॉयलेट कर सकते हो ना हम वॉयलेट कर सकते हैं। ये जो आप एक इंसान और दो इंसान की चीज़ों को स्टेट्स में लोकेशन में डिवाइड कर रहे हो ना, इस चीज़ को प्लीज़ यहीं पर ख़त्म कर दो, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ख़राब है। अगर बहुत गर्मी है, लड़ाई झगड़ा करना है, खून उबाल मार रहा है, तो आप किसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में चले जाओ। देश को, अपनी मुंबई को, हमारी मुंबई को हर जगह ग्लोबली रिप्रेजेंट करो ना, कि देश के लिए कुछ मेडल मार पाओ। तो भाई अपनी ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, आप भी भुगत चुके हो, हम भी भुगत चुके हैं, गलतियां सबने करी है पास्ट में, उनको पीछे ही छोड़ दो। तो उम्मीद करूंगा आप ये चीज़ें अब ना करो, दोबारे मेरे को वीडियो ना बनानी पड़े। और एकजुटता का मैसेज दो यार, जब लोग देख रहे हैं ना आपको, ये लोगों को तोड़ने का काम मत करो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रखा। बाकी अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, कोई छोटा होने वाली बात नहीं, आप अपने उम्र में बड़े हो, दुनियादारी भी हमसे ज़्यादा देखी होगी, मान है सम्मान है, एक मैसेज डाल देना, सोशल मीडिया की चीज़ें साइड में करेंगे, आमने सामने बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखो, खुश रहो, राम राम। अब एलवी शादव ने भी फाइनली एजाज खान को रिप्लाई करते हुए ये वीडियो अपलोड की। राम राम भाई, सभी लोगों को, जितने मेरे भाई देख रहे हैं इस वाली वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा मुझे, क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ,
एजाज भाई की नगरी में, उनने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारिया से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे। दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे, और कहां पकड़ेंगे, हरियाणा में पकड़ेंगे, हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहां पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे। भाई पकड़ ले भाई, पकड़ लो। बहुत रीच आउट करने का ट्राई करा है, ये शेर शेर कर रहे थे भाई। पहले तो ये बताओ शेर घर पे आया था या घर से कोई जंगल में गया था, जो बोल रहे थे ना कुत्ते और शेर वाली बात, या फिर घर पे वो आया था शेर, वो वाला वो मैच नहीं करता। ज्यादा क्या खींचनी इसको ना, तुम्हारी कितनी औकात है और किसकी क्या है सबको समझ में है, तो ये इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे भौंकना थोड़ा बंद करो और थोड़ा इंसान के बच्चे की तरह रहो। तुम्हें भी पता है तुम्हारे आधे दो पैर सलाखों के पीछे है, जो मुंह बाहर निकला है ना उसको ज्यादा इतना मत चिल्लाओ कि पूरे अंदर जाओ, हिसाब से रहो। और भाई जिसको नहीं पता, जिसको थोड़ा सा जो क्लियर नहीं है आइडिया कि भाई हम ये क्या वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे एजाज भाई ने भाई बहुत क्लियरली ये धमकी समझ लो, धमकी दी थी एक तरीके से कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहां नजर आ गए वो कर दूंगा, यूट्यूबरों के साथ वो कर दूंगा, इंस्टा पे लोकेशन हम डालते हैं, व्लॉग में लोकेशन हम डालते हैं, हर जगह लोकेशन हम डालते हैं, भाई को कॉन्टेक्ट भी कर ले, कोई जवाब नहीं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के बन के रह गए कि इंस्टाग्राम पे हवाबाजी कर ली, चल भाई यहाँ पे सॉरी बुलवाऊंगा और चलो सो जाओ। इनका कुछ नहीं है, अटेंशन लेनी है, फिर अपने दो चार चेले चपाटों के लिए वोट मांगनी है, इतनी इनकी औकात है। इतने साल से तुम जानते हैं सब तुम्हें कि तुम कुछ हो ही नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से रहना शुरू करो, लोगों को बांटना लोगों को प्रोवोक करना छोड़ दो, उस लायक बनो कि तुम्हारे ऊपर कोई रील बनाए। ये हमारी आखिरी है, इसके बाद हम नहीं बनाने वाले कुछ। पैसा लगते हैं भाई रील बनाने के मेरे वाले अकाउंट में डालने, मां कसम मैं तो ये फ्री फंड में डाल रहा हूं उसके ऊपर, कितना नाम मिल गया इसे। भाई तुम्हारा करियर है, तुम्हें चलाना है, तुम यार मेहनत करो ना भाई, किसी को गाली गलौज करके तुम्हें क्या मिल रहा है बताओ, कुछ मिल रहा, ऐसी वीडियो मिल रही है भाई, साबुन मिलेगा, साबुन मिलेगा और वो गिर जाएगा, कितनी बारी जेल में गिरा होगा सबको पता ही होगा, जैसा कोई पीछा आ जाओ, अब छोड़ो इसे मरण दो भाई, ये लास्ट वीडियो हमारी इसके ऊपर नहीं आई, इसके बाद कुछ भी हमारी तरफ से खत्म ना भाई, कर लेना भाई साहब, आपकी जगह पे मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डन, सी यू मैन, इतना ब्यों तरखो पहले मिलने लायक। और वो जो बोल रहे थे ना रज रज भैन चोद मेरे नाम से, नहीं नहीं ये मेरे नाम से, मेरे मुंह से स्लिप होने लगी अब ये चीज, जो आप बोल रहे थे ना रजत दलाल के नाम में दलाल आता है, तो रजत के पीछे ना जाट भी आता है, और गैल राव साहब भी खड़े हैं, 36 बिरादरी खड़ी है पूरी, ठीक है, थोड़ा हिसाब से रहो, इन चीजों को तोड़ने के हिसाब से मत करो, ख्याल रखो अपना। तो गाइस एल्विस यादव मुंबई पहुंच चुके हैं और उन्होंने एजाज खान को ये चैलेंज दिया है कि वो उसे सॉरी बुलवा कर दिखाए, इस पर एजाज खान ने भी ये वीडियो डाली। वो दो जोकर लोगों ने वीडियो बनाई है कि एजाज भाई आपने हमको धमकी दी थी, हम लोग मुंबई आए हुए बंद कमरे के अंदर बनाई हुई है, उसमें मुंबई किधर है और एड्रेस किधर है, अबे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और मिलूंगा एल्विस तेरे से आके, तू जहां भी रहेगा उधर आऊंगा और अकेला आके मिलूंगा तेरे से, और तेरे से भी दलाल, अकेला वन मैन शो, कोई आर्मी नहीं है रे मेरी, वन मैन आर्मी हूं मैं, भेद लोकेशन किधर है तू। एजाज खान भी मुंबई में है और एल्विस भी मुंबई आ चुके हैं, देखना ये होगा कि कौन किससे सॉरी बोलेगा। एल्विस ने अपने आज के ब्लॉग में भी इस चीज पर बात की है। घने आदमी को रिप्लाई करना है, और कौन सा था वो, एजाज खान वापिस आ गया अपने काम पे। हमने तो कुछ कही भी ना थी उस तय, हमारा नाम ले रहा, एल्विस कटारिया कटारिया अंदर तेरी सुन रहा हो, बताओ मुझे, एवं सुन, सोचने की बात है भाई, बंदा वीडियो बना रहा भाई, वो कैसे सुने, पर एल्विस ने कुछ करा नहीं, और मैं तो मेरा क्या लेना देना भाई इनसे, एजाज पजाज से, कैरी को पकड़ लिया, कैरी को हटा दिया, बस सॉरी मांगो भाई, कैरी भी बड़ा पंदी के सॉरी मांग रहा, अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत, पर प्यार से बोल देता उसको यार कि मुझे अच्छा लगा यार, सॉरी मांगनी चाहिए, ऐसे भी तो हो सकती थी ना चीजें, ऐठबाजी दिखा के क्या मिलता है लोगों, ऐठबाजी गलत बात है, छोटा बालक है, समझो यार, ठीक है, इससे करवा लो, क्या सॉरी मांगो उससे, जा किससे, एजाज खान से सॉरी मांगो, अरे मांग कान पकड़, एजाज खान को भी बोतल दिखा कांच की, ये देख रहा कांच की बोतल दिख रही, पी के देखा पानी का, पानी पी कुएं में से पानी पी रहा हो, देख कांच के पानी, एजाज खान को आज भी अगर स्विमिंग पूल जाना होता ना तो अपने घर के बाहर निकल जाता, क्या होगा छोटा सा जोक, भाई मेरी गल नहीं है
मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और हमारे ह्यूमरस गैंग है ही नहीं, ह्यूमरस गैंग नहीं है, एक ही आदमी ह्यूमरस है। थैंक यू गाइस, मी तो औरत है। तो गाइस देखने से तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि एजाज खान की पूरी तरह फट चुकी है। अब बस इस बात की देरी है कि ये एजाज खान मुल्ला एल्विश को अपना पापा कब बोलेगा। तो गाइस इस कंट्रोवर्सी पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना।